और इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। लगातार किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसानों के इस आंदोलन का तीसरा दिन है, जिसको लेकर किसान आज भी धरना दे रहे हैं। लगातार किसान टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और इसके साथ साथ बोराड़ी के मैदान में डटे हुए हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ के साथ कि किसानों ने पूरी तैयारी की हुई है और धरने पर बैठे हुए हैं। बाकायदा वहाँ किसानों के द्वारा चूल्हा जलाकर खाने का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन किसान अपनी जगह शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। और किसानों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के आगे झुकी है और आगे भी इसी तरह से किसानों के द्वारा मांग रखी जाएगी। तो ये तीसरा दिन है। इससे पहले आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में एंट्री के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, लेकिन जो तमाम जो पुलिस फोर्स लगाई गई थी वो सब कुछ फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। पूरा जो सिस्टम है वो किसानों के आगे, अन्नदाता के आगे फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। और अब दिल्ली में एंट्री मिल चुकी है हालांकि किसानों को, और बुराड़ी मैदान में किसान डटे हुए हैं। आज ये तीसरा दिन है, लगातार ही धरना प्रदर्शन जारी है। इससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन किसानों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, जहां किसानों को दिल्ली एंट्री करने के लिए आंसू गैस का सामना करना पड़ा, वाटर कैनन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब फाइनली दिल्ली में किसानों को एंट्री मिल चुकी है। अब किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार किसानों के आगे झुकी है और आगे भी वो अपनी मांगे ज़रूर रखेंगे। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां भारी मात्रा में किसान तैनात हैं और लगातार धरना जारी है। किसानों की तरफ से यहां खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया। आपको बता दें कि जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि किसान 1-2 महीने का राशन पानी लेकर साथ में निकले हैं, और किसानों का कहना है चाहे देर से ही भले इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, और इसी मांग के चलते किसान दिल्ली कूच करते हुए नजर आए। पिछले 2 दिन की तस्वीरें भी हमने आपको लगातार ही दिखाई कि किस तरह से दिल्ली में एंट्री करने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए किसानों को किस तरह से वाटर कैनन का सामना करना पड़ा, आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार दिल्ली में इन किसानों को एंट्री मिली है और बुराड़ी के मैदान में किसान डटे हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आ रही हैं। किसानों के आंदोलन का ये तीसरा दिन है। टीकरी बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान बने हुए हैं, काफ़ी मात्रा में। हालांकि बैरिगेट्स ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन बैरिगेट्स के उस पार किसान भारी मात्रा में मौजूद हैं। और जिस तरह से ये तीसरा दिन है, सुबह का समय है, तो किसान खाने पीने का इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार अस्थाई चूल्हा यहाँ पर बनाया गया है और उस पर जो है खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। हमने आपको इससे पहले तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से चूल्हे पर रोटियां सेक कर किसान जो है अपना काम चला रहे हैं। और ये सीधा तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की आप देख सकते हैं, चहल पहल यहाँ दिख रही है। सुबह का समय है और किसान एक बार फिर से जोश के साथ तीसरे दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे काफी उत्साह इन किसानों में है। सुबह का समय है और यहाँ काफी मात्रा में किसान मौजूद है। हालांकि बैरिगेट्स जरूर लगाए गए हैं, बैरिगेट्स के उस पार किसानों की संख्या भारी मात्रा में है। टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। हालांकि किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब आगे भी वो अपनी मांगे मनवाएंगे। ये भी बता दें कि 3 कृषि कानून को लेकर किसान खफा है और इसको वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं, और लगातार ही किसानों को पुलिस का भी सामना करना पड़ा है। किसानों ने आंसू गैस के गोले झेलते हुए और इसके साथ ही वाटर कैनन का प्रहार झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें इस वक्त की टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर
किसान डटे हुए हैं, बुराड़ी मैदान में भी किसान बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। ये आज किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। तो बता दें कि आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी है, चहलकदमी हालांकि होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ सुबह का वक्त है, ये तीसरा दिन है और किसान यहाँ पूरे जोश के साथ दिख रहे हैं। और टीकरी बॉर्डर की तस्वीर हम सीधा आपको दिखा रहे हैं जहाँ किसान डटे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर के अलावा किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और साथ ही साथ बुराड़ी मैदान में जहाँ उन्हें इजाज़त भी दी गई है बैठने की शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की, वहाँ भी किसान डटे हुए हैं। लगातार किसानों की मांग है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं किसान। हालांकि जिस तरह से 2 दिन पहले की तस्वीरें भी हमने आपको लगातार ही दिखाई कि किस तरह से किसानों को दिल्ली में एंट्री करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, कैसे वाटर कैनन का प्रहार उन्हें झेलना पड़ा, आंसू गैस के गोले उन्हें झेलने पड़े, लेकिन आखिरकार किसानों को दिल्ली में एंट्री मिली, लेकिन एंट्री शांतिपूर्ण तरीके से बुराड़ी मैदान में धरना प्रदर्शन की दी गई है और ये तीसरा दिन है। अब किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार किसानों के आगे झुक गई है और आगे भी इसी तरीके से वो अपनी मांग ज़रूर मनवाएंगे। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से लगातार किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कुछ बीच में ऐसी तस्वीरें भी आई थी जब कुछ किसान थोड़ा उग्र हो गए थे, लेकिन स्थिति कंट्रोल की गई थी। और ये किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है। सीधा टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ किसानों का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है, चहलकदमी यहाँ पर देखी जा सकती है। सुबह का समय है और 9:00 ही हो रहे हैं अभी और सुबह का समय है, चहलकदमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसान जो है काफ़ी एक्टिव मोड में है, इतना प्रहार झेलने के बाद भी एक नई ऊर्जा के साथ इस दिन का स्वागत किया है किसानों ने। और ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी वहाँ पर किया गया है, क्योंकि किसानों ने पहले ही कहा था कि चाहे कितना भी समय यहाँ पर इंतज़ार करना पड़े, लंबा समय इंतज़ार करना पड़े, लेकिन हम डटे रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ दिल्ली एंट्री की। और प्रवीण धनखड़ टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरीके का माहौल है इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर, स्थिति किस तरीके की है? टीकरी बॉर्डर पर हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दूसरी तरफ किसानों ने अभी जो है बैरिकेडिंग लगा दी है और एक तरफ जो है वहाँ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। अब किसान उसी मोड पर आ गए हैं, जो पुलिस दिल्ली में नहीं जाने देना चाह रही, तो अब किसान दिल्ली को पूरी तरीके से सील करने पर हमारा सील कर ही दिया है, क्योंकि अब जब किसान दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो दिल्ली वालों को ना इधर आने दिया जाएगा और ना ही दिल्ली में भी किसी को जाने दिया जाएगा। अभी प्रवीण जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि ना दिल्ली जाने वालों को इधर से जाया जाएगा ना दूसरे लोगों को, तो आम जन को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सड़क पर रहकर ही वहीं पर अपना खाना बना रहे हैं, वहीं पर अपनी जो दिनचर्या है वो भी अंजाम दे रहे हैं। किसानों के लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में है। टीकरी बॉर्डर से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला जो सड़कों पर जमा हुआ है। किसान आप पुलिस के आमने सामने ना पुलिस से कोई बात करना चाह रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जो सिंधु बॉर्डर पर जो फैसला होगा, जो उनके नेता फैसला लेंगे, उसी फैसले के अनुसार यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अब कोई भी किसान दिल्ली के जो बुराड़ी में निर्धारित मैदान दिया गया था उस मैदान में कोई भी किसान नहीं जाना चाह रहा है। किसानों का सीधा सीधा कहना है कि किसान जाएंगे तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर, इसके अलावा किसान कहीं नहीं जाएंगे। प्रवीण धनखड़, क्योंकि जिस तरह से जानकारी आ रही है बुराड़ी में भी कई बुराड़ी के मैदान में भी कई किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन किसानों से क्या कुछ बातचीत हो पाई है पुलिस के द्वारा? किसानों से पुलिस बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन अब किसान यहाँ जो टीकरी बॉर्डर पर कोई भी किसान पुलिस से बातचीत नहीं करना चाहते। कुछ देर पहले जब किसान नाकेबंदी कर रहे थे तो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इनसे बात करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया और किसानों ने यही कहा कि हम किसी कोई बात नहीं करेंगे, जो फैसला होगा अब वहीं से होगा और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे।
प्रवीण, किस तरीके की सुरक्षा जो है अब यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर की गई है, क्योंकि इससे पहले तमाम जो बैरिकेड्स है वो किसानों के द्वारा हटा दिए गए थे, तो अब कितनी लेयर की सुरक्षा है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? ये बिल्कुल किसानों ने जो लेयर थे वो कल सुरक्षा लेयर पुलिस के तोड़ दिए थे। उसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई, इस बातचीत में यह हल निकला था कि बुराड़ी का निरंकारी मैदान दिया गया था और देर शाम लगभग 3:30-4 बजे के बीच किसानों का जैसा बुराड़ी मैदान तक भी गया। लेकिन उसके बाद काफी संख्या में जो पीछे से किसान जींद, हिसार, हाँसी, फतेहाबाद से आ रहे थे, उन किसानों ने भी यहाँ आकर डेरा जमा लिया है और अब कोई भी किसान आगे नहीं जाना चाह रहा है। प्रवीण, जैसे कि आज तीसरा दिन है और किसानों ने जब दिल्ली कूच स्टार्ट ही किया था तभी कह दिया था कि हम राशन पानी लेकर आए हैं, चाहे कितना भी समय यहाँ लग जाए, तो अब जिस तरह से अभी भी आपने जानकारी दी कि दिनचर्या को अंजाम दे रहे हैं यहीं पर, कैसे मैनेज कर रहे हैं अब किसान? किसान अब सड़क पर ही डटे हैं। कुछ किसान जो ट्रैक्टर ट्रोलियों में जमे हैं वो खाना बना रहे हैं, कोई चाय लेकर आ रहा है, कोई अपने दूसरे कामों को निपटाने में व्यस्त है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, तो लगातार प्रवीण हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको हम भी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, एक तरफ पुलिस भारी मात्रा में तैनात है, दूसरी तरफ किसान भारी मात्रा में डटे हुए हैं। और हालांकि किसानों को दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप बुराड़ी मैदान में जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने भी अभी जानकारी दी कि किसानों का सीधा सीधा कहना है कि वो या तो रामलीला मैदान में जाएंगे या फिर जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर ये जगह जहां लगातार ही किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं जंतर मंतर पर। अच्छा, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुराड़ी की तस्वीरें हैं जहां बुराड़ी मैदान में किसान डटे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ इसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, जैसे कि अभी हमने आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई। लगातार ही किसान डटे हुए हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं और किसानों का ये भी कहना है कि बुराड़ी मैदान में वो धरना नहीं देंगे।